अनाया बच्ची है अहमर, मगर आप तो बच्चे नहीं है ना। आपकी एक जल्दबाजी की सजा ना उसे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगी, फिर आप सोच लेंगे। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अनाया ने रो रोकर अपनी तबीयत खराब कर ली है। चंद दिन की बात है, रो धो के चुप हो जाएगी, वरना हम उसे चुप करा देंगे। बात की सोचें, चाचा जिस तरह डिमांडिंग होते जा रहे हैं ना रोज बरोज, पता नहीं आगे कौन सी फरमाइश करके बैठ जाएंगे। मतलब मतलब आपको नहीं पता, अभी तो जासिम की जॉब और प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है ना। कल अगर रुखसती के बाद सोचे चाचा ने और कुछ फरमाइशें हमारे सामने रख दी, औलाद नहीं हो रही, बेटा नहीं हो रहा, 10,000 और चीजें हैं, ये नहीं वो नहीं, तो फिर कहां तक पूरा करेंगे? सवाल ये है। खुदा है, मैं ये मामला कैसे हल करूंगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बार अपना दिल सख्त करके खुला ले लें। और जहां तक अम्मी की बात है ना, हम सब मिलके उन्हें समझा लेंगे, और अनाया अनाया भी संभल जाएगी। हमारी अनाया में ऐसा कौन सा नुक्स है जो उसके रिश्ते नहीं आएंगे? अब देख लीजिएगा, एक से एक बेहतरीन रिश्ता उसके लिए राजी होगा। लेकिन प्लीज इस अजाब से उसकी जान छुड़वा दें। मैं ठीक कह रही हूं अमर, वो नासमझ है बच्ची, उसको समझ में नहीं आ रहा ये इसके फ्यूचर के लिए बेहतर है। बाद में जब उसे समझ आएगा ना, तो हमें दुआएं देगी वो। क्यों?